हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज आप लोग का स्वागत है मेरे नए वीडियो व्लॉग पे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे अपने व्लॉग में कि हमारे मामा का नया मैरिज हॉल खुला है, जिसका नाम एस नारायण मैरिज हॉल है, जिसका ओपनिंग सेरेमनी 12 जुलाई को है। और अभी इसका थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, वो इस मंथ के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम इसे अंदर से देखते हैं। एड्रेस आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब हम इसे अंदर से दिखाएंगे, देख सकते हैं अभी यहां पे मार्बल्स लग रहे हैं। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या हुआ है। अभी यहां पे लाइटिंग का काम हो रहा है, इतना अच्छा कलर हुआ है, देख सकते हैं गाइज आप लोग। यहां पे ऑरेंज हुआ है, सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ये देखिए कितना प्रिटी कलर है। यहाँ पे सब कलर्स का सामान रखा है। यहाँ से डोर लॉक, कितना अच्छा कलर हुआ है गाइस आप देख सकते हैं। ये देखिए सेकंड गेट की एंट्री है, उधर से देखिए हम लोग की एंट्री हुई थी और इधर से सेकंड गेट है। चलिए हम आपको पूरा इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब बताते हैं, ये हम बाहर आ गए और ये पूरा स्टेज रहेगा। अभी मतलब बन गया है, अभी पूरी साफ सफाई होगी, उसके ऊपर मैट लगेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा गाइस। देख सकते हैं वो जो जनरेटर है उसके उधर वो किचन रहेगा, वहाँ पे सब खाना बनेगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जेसीबी के लिए संपर्क कर सकते हैं और ट्रैक्टर के लिए भी। देखिए वहाँ से हमारी एंट्री थी और सबसे अच्छी चीज इस लॉन की, देख सकते हैं। चलिए गाइज अब हम इसे आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं क्या सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, मुझसे गलत निकल गया, देख सकते हैं। आपको यहाँ का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। देख सकते हैं पूरी आर्टिफिशियल ग्रास है, यहाँ पे कमा जगह भरपूर है पार्किंग के लिए भी। वो उस बाउंड्री के उधर कम से कम 80 कार्स आ ही सकती हैं लगभग। ये किचन है इसके उधर, देख सकते हैं कमाल की घास है यहाँ पे। यहाँ पे कोई लेट भी सकता है, एकदम पूरा साफ रहता है, यहाँ पे कोई कीड़ा नहीं रहता, देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइड में डेकोरेशन के लिए यहाँ पे लगा दिया गया है, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे पीछे फार्म की तरह है कुछ, लेकिन जब यहाँ पे शादी होगी तो पीछे शायद बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पीछे देखिए भट्टा है। चलिए हम अब आपको वो जो बाथरूम दिखाए थे वो तो अंदर जो रहेंगे उनके लिए, अब जो बाहर यहाँ रहेंगे उनके लिए बाथरूम दिखाते हैं। चलिए गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देख सकते हैं। यहाँ से बाहर से पूरा प्लास्टर हो गया, बस उधर पेंट करना है और सब कुछ काम हो गया है। बस इसे अब इसे बस बाहर से पेंट करना है, अंदर से आप देख लिए पेंट हो गया है। ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पे वॉश बेसिन सब जगह लग गया है। देखिए क्या सनराइज हो रहा है, कितना अच्छा, देख सकते हैं वाव। चलिए बाथरूम,
देख सकते हैं बाथरूम में आ गए हैं। इधर अभी लाइटिंग का काम हो रहा है, जैसा देख सकते हैं ये बॉयज वॉशरूम है। इधर यहाँ टॉयलेट के लिए है बना हुआ है, और इधर एक वॉश बेसिन है, और इधर वॉशरूम है, इधर भी वॉशरूम है, इधर भी वॉशरूम है। वॉशरूम है इधर, मतलब कि इधर एक टाइप से कहते हैं फुल वॉशरूम है, मतलब इधर नहा भी सकते हैं, वो वॉशरूम भी है देख सकते हैं, वो बेसिन भी है, इसको भी ढक्कन दे रहे हैं, ऊपर से कुछ गिरे ना पेंटिंग से तो उसमें दाग लग जाते हैं। तो बाहर सकते हैं, ये तो बॉयज वॉशरूम था, हम आपको गर्ल्स वॉशरूम था। गर्ल्स वॉशरूम में इधर एक बेसिन है, वो बेसिन, इधर वॉशरूम है, इधर देखिए फिर वॉशरूम है, इधर भी पूरा फुल्ली वॉशरूम है, इधर आप नहा भी सकते हैं, मतलब कि बॉयज में भी एक पूरा वॉशरूम है, उधर आप नहा भी सकते हैं, वॉशरूम भी है, और इधर भी गर्ल्स में पूरी सुविधा है। अब चलिए इधर जाते हैं, इधर भी एक वॉशरूम है, वॉशरूम की कोई कमी नहीं है गाइस इस लॉन पे। और ये वीडियो आप जितने से जितना शेयर करेंगे देख सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और जितने से जितने ज़्यादा लोग को बताएंगे। 12 तारीख को इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, 12 जुलाई को, और उसके बाद से देखते हैं क्या होता है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, चलिए आपको थोड़ा किचन भी दिखा देता हूँ। अभी किचन में कुछ बना नहीं है, उसमें अभी सामान रखाता है, मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रिक का रहता है, प्लम्बर टाइप का रहता है, सब उसमें सामान रखाता है। देखिए गाइस किचन है, यहाँ पे भी देखिए इन्वर्टर है, अभी यहाँ पे मतलब कि जो किसी भी अंकल चलाते हैं वो यहाँ रहते हैं, तो कोई ना कोई लॉन पर रहना ही चाहिए ना, अकेले तो रात को छोड़ नहीं सकते, तो वो देख सकते हैं। स्विच बोर्ड सब सब मुझे भी सुविधा है, सब देख सकते हैं। इधर भी लाइटिंग लाइट लाइटिंग हो चुकी है, इधर भी बोर्ड उठ लग गया है, ये देखिए इधर तो अभी तक सीमेंट है, माइसेम अल्ट्रा ट्रेक, यहाँ पे भी पूरा लाइटिंग हो चुका है गाइस देख सकते हैं। लाइटिंग हो चुका है, और ये हमारा जनरेटर है, ये नया आया है 24 KB का। चलिए गाइस हम आपको अब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से आपको व्यू दिखाते हैं इस लॉन का। चलिए गाइस ऊपर चलते हैं, वो देखिए क्या व्यू है, क्या व्यू है देख सकते हैं आप लोग, सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे ये 2000 लीटर का ये टंकी है, प्रीमियर डक 7 लेयर विद 2000 लीटर स्टोरेज ऑफ वाटर, इधर देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप खुद ही समझ सकते हैं गाइस। अभी इधर तो वहाँ पे आप देख सकते थे रॉड की कटिंग हो रही थी, यहाँ पे पिलर होगा, उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री अच्छे से बनेगी,
के बाद देख सकते हैं गाइस ये कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं लाइन से डेकोरेटिव जो थोड़ा लगे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पार्किंग की इतनी जगह है वो देख सकते हैं, इतनी पार्किंग की जगह है। उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगभग कुछ नहीं तो 20 गाड़ी तो यहाँ पे आराम से पार्क हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर जिसको पार्क करनी रहती है तो वो पार्क कर लेगा। उसके बाद देख सकते हैं उधर भी बहुत बड़ी जगह है गाइस, उधर भी बहुत बड़ी जगह है उस साइड, उधर देख सकते हैं उधर भी हम लोग कर देंगे कि उधर जिसकी बहुत ज़्यादा जिसके साथ में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो वहाँ जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। गाइस पार्किंग की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, और देख सकते हैं ये बगल में किसी का फार्म है हमें नहीं पता अभी यहाँ पे कोई, देख सकते हैं यहाँ पे खेती नहीं हो रही है और वो यहाँ पे गाइस आपको ट्रेन का भी व्यू मिलेगा। बट थोड़ी अगर जैसे थोड़ी रोशनी के टाइम इस टाइम आपको ट्रेन का भी यहाँ पे हमेशा हर 10 मिनट में मिलता रहेगा अगर आप यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हैं तो देख सकते हैं। क्या व्यू आ रहा है पहले आप ये देखिए, यहाँ से मुझे तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये लग रहा है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।